पूरी तरीके से भ्रष्टाचार लूट में ये नीतीश कुमार जी लिप्त हो चुके हैं। सुशील कुमार मोदी जी गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने बयानों के जरिए एक दूसरे पर निशान साध रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी किशनगंज में निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ऐसे कई पुल पहले टूट चुके हैं, अभी सिर्फ चुनाव है, इसलिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, सौगात पर सौगात दिए जा रहे हैं। हालांकि काम अधूरा है, फिर भी सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए उद्घाटन किया जा रहा है। क्या कुछ कहें तेजस्वी यादव, जरा सुनिए। देखिए, करोड़ों की लागत से पुल बनते हैं, उद्घाटन से पहले ही टूट जाते हैं या उद्घाटन वाले दिन टूट जाते हैं, ये नीतीश कुमार जी का विकास है। आप बताइए, करोड़ों का पुल जो निर्माणाधीन है, अभी आनंद फानन जो है उद्घाटन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ISBT का जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उसका जो है ISBT का 40-45% ही केवल काम हुआ है, और ये 40-45% जो काम हुआ है इसी पे ये उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये लगातार पुलियों की घटनाएं, कितने तटबंध, कितने डैम, कितना बराज टूट गया, रोड कट गए, टूट गए, पुलियों की तो कोई संख्या नहीं है, महासेतु तक दह गए। इसलिए हम बार बार कहते हैं नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। किशनगंज में करोड़ों की लागत से पुल टूटा, लेकिन आप लोग देखेंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई की गई हो, किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई की गई हो, या मंत्री ने, किसी ने, मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली हो या किसी पे तय की गई हो, कोई जांच नहीं बैठता है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार लूट में ये नीतीश कुमार जी लिप्त हो चुके हैं। सुशील कुमार मोदी जी गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। जो बेचारे किसान, मजदूर या नौजवान जो पढ़ाई के लिए, चिकित्सा के लिए रोज, ये NDA का अपने घर का मैटर है, हमको उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन हाँ ज़रूर हम सवाल उठा सकते हैं। जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जो आत्मनिर्भर की बात करती है, पूरे देश को आत्मनिर्भर, पूरे बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, वो बिहार में ही आत्मनिर्भर हो जाए पहले, नीतीश कुमार जी के पीछे लघु बने हुए हैं और खुद तो आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, चले हैं पूरे देश को और पूरे बिहार को आत्मनिर्भर बनाने। तो आपने सुना है, एक तरफ जहां उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर निशान साधा है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने BJP को भी ये कहा है कि BJP आत्मनिर्भर बिहार की बात करती है। क्या BJP खुद आत्मनिर्भर है? हालांकि वो NDA के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन NDA में क्यों एक दूसरे की बैसाखी बनकर जो दल हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जोरदार निशाना साधा है, NDA पर भी और सरकार के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए हैं। लगातार जो बिहार में पुल ध्वस्त हो रहे हैं, क्या बिहार में सुशासनी पुल यही है? क्या सुशासन का दावा करने वाली सरकार जो लगातार विकास की बातें कर रही है, क्या विकास जमीन धरातल पर यही है कि निर्माणाधीन पुल टूट जा रहा है? कितना आखिर वक्त लगेगा एक पुल को बनने में? सवाल खड़े किए हैं। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।